भजन संहिता अध्याय 132। भजन संहिता अध्याय 132। हे यहोवा, दाऊद के लिए उसकी सारी दुर्दशा को स्मरण कर। उसने यहोवा से शपथ खाई और याकूब के सर्वशक्तिमान की मन्नत मानी है कि निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश न करूंगा और न अपने पलंग पर चढ़ूंगा और न अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान न पाऊं। देखो, हमने एप्राता में इसकी चर्चा सुनी है। हमने इसको वन के खेतों में पाया है। आओ, हम उसके निवास में प्रवेश करें। हम उसके चरणों की चौकी के आगे दंडवत करें। हे यहोवा, उठकर अपने विश्राम स्थान में अपनी सामर्थ्य के संदूक समेत आ। तेरे याजक धर्म के वस्त्र पहने रहे और तेरे भक्त लोग जय जयकार करें। अपने दास दाऊद के लिए अपने अभिषिक्त की प्रार्थना को अनसुनी न कर। यहोवा ने दाऊद से सच्ची शपथ खाई है और वह उससे न मुकरेगा कि मैं तेरी गद्दी पर तेरे एक निज पुत्र को बैठाऊंगा। यदि तेरे वंश के लोग मेरी वाचा का पालन करें और जो चेतावनी मैं उन्हें सिखाऊंगा उस पर चले तो उनके वंश के लोग भी तेरी गद्दी पर युग युग बैठते चले जाएंगे, क्योंकि यहोवा ने सियोन को अपनाया है और अपने निवास के लिए चाहा है। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा, क्योंकि मैंने इसको चाहा है। मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा और इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा, और मैं इसके याजकों को उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा और इसके भक्त लोग ऊंचे स्वर से जय जयकार करेंगे। यहां मैं दाऊद के एक सिंह उगाऊंगा। मैंने अपने अभिषिक्त के लिए एक दीपक तैयार कर रखा है। मैं उसके शत्रुओं को तो लज्जा का वस्त्र पहनाऊंगा, परंतु उसी के सिर पर उसका मुगुट शोभायमान रहेगा।